हटा दी सरकार ने और 2018 तक अनेकों किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन दिया था और एक लंबा इंतजार 5 साल हो गए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए सरकार को, पहले भी कहा है जो मेरे से पहले कोई विधायक होगा, अब मैं बार बार कहती जा रही हूँ हमें ट्यूबवेल कनेक्शन दो, हमारे पास पानी नहीं है। तो जब सरकार ट्यूबवेल कनेक्शन देने की बारी आई 5 साल के इंतजार के बाद में, तो जिन किसानों ने आवेदन दिया था, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि आवेदन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ था, मैं आपके माध्यम से बिजली मंत्री जी से कहूंगी कि आवेदन में कहीं भी ये बात मेंशन नहीं थी कि हम 5 साल बाद अगर आपको ट्यूबवेल कनेक्शन दे रहे हैं तो वो हम सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन देंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि बाड़ा विधानसभा क्षेत्र जो है वो रेतीला इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है और जो भूजल स्तर है पानी का वो 400 फीट तक गहरा है। तो अगर पूरे हरियाणा में ये योजना लागू की है सोलर सिस्टम की, तो हमें सरकार को ये चीज देखनी चाहिए कि एक तो यमुनानगर है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, यहाँ तो 100 फीट पे पानी है और बाडड़ा जो है वो 400 फीट पे है, तो सोलर पंप से हम सिंचाई कैसे कर सकते हैं? जो सोलर पंप है वो पानी उठा ही नहीं रहा। तो किसान जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा ठगा महसूस कर रहे हैं। तो मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से बिजली मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि 2018 तक जितने भी किसानों ने आवेदन पत्र दिया है पंप से हटाकर हमें बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाए। स्पीकर महोदय, ऐसा हमने ये करा कि जितने कनेक्शन 100 मीटर से नीचे के हैं उसके लिए हमने कहा है कि वो माइक्रो इरिगेशन पे जाए, उसे कनेक्शन उससे देंगे, और जो पहले के कनेक्शन है जिन्होंने ऑलरेडी कनेक्शन लगा रखे हैं उन्हें हमने कहा है कि वो अपने डिक्लेयर करें, जो डिक्लेयर कर देगा उसको कर देगा, पर नए कनेक्शन नहीं दिए जा रहे, वो पावर से नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि जो सोलर पे हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सब्सिडी मिलती है उससे भी हमें गाइडेड रहना पड़ता है। तो जो नए कनेक्शन को मांग रहा है उसके ये कंडीशन है कि वो उसके साथ माइक्रो इरिगेशन 100 फीट से अगर नीचे है तो उसके साथ अपना उससे जोड़ेगा, और नहीं तो उसे नहीं दिया जाएगा। पर जो पहले चल रहे हैं वो अपने डिक्लेयर करें और उसको फिर हम मान लेंगे। जी पहले सोलर ट्यूबवेल जो चल रहे हैं वो किसानों ने या तो पशुओं के पानी पिलाने के लिए लगाए थे मजबूरीवश, या घरों में पानी तो है ही नहीं ना बाडड़ा में पीने के लिए। तो मैं तो आपके माध्यम से बार बार आग्रह करूंगी और अनुरोध करूंगी मुख्यमंत्री जी से भी कि हमें बिजली ट्यूबवेल कनेक्शन देने का काम करें, और जो 2018 में पूरे दादरी जिले के 400 किसान जिन्होंने फीस जमा नहीं करवाई, एक मौका उन किसानों को भी दोबारा देने का करो ताकि वो अपनी फीस जमा करवा के दोबारा ट्यूबवेल कनेक्शन लगाए। और मैं मंत्री जी आपसे कहूंगी कि आप पिता तुल्य हैं, चाचा जी हमारे, और इतना रहम करो बाडड़ा पे कि आप बिजली जो है वो बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल कनेक्शन जो है वो आप हमें दो, क्योंकि सोलर से बाडड़ा में काम नहीं चलने वाला, वहां चल ही नहीं रहा, पत्थर आ रहे हैं, सोलर पंप चल नहीं रहे, तो फिर उसके ट्यूबवेल कनेक्शन का फायदा क्या? 5 सालों से लोग इंतजार कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, 5 सालों से, और अब जब बारी आई तो बिजली विभाग ने कंडीशन लगा दी, और जिनके पास है तो पीने के पानी के लिए कहीं ना कहीं तो आदमी सोलर सिस्टम लगाएगा ना, चाहे वो पशुओं के लिए लगाया चाहे वो खुद के लिए, उस कंडीशन को हटा के हमें बिजली के ट्यूबवेल कनेक्शन देने का काम आप करो, और मैं तो आपकी बहू हूं, ये तो आपको करना पड़ेगा। देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अगर सेंटीमेंट्स और फीलिंग की बात होती है तो हम घर में ही कर लेते हैं, ये सदन है तो हमें सदन में अपनी कुछ मर्यादाओं से कहना पड़ेगा। ऐसा है कि जो आपने कहा मैं थोड़ा फर्क बता दूं, सोलर इतना पॉपुलर है कि जब हम 2 घंटे के लिए खोलते हैं तो हम पे उनके कनेक्शन के लिए ज्यादा आवेदन आते हैं, और जो पावर वाले हैं उसके लिए कम आते हैं। अब हमें जो अभी पिछले मैं 1 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, हमें 61,158 आए जिनमें सोलर के जो है वो है जी 33,810, और दूसरे जो पावर के हैं वो 27,000 हैं। 33,810 हम 6 महीनों में दे देंगे, और 2700 जो 18 इन्हें 1 साल लगेगा देने आए। उसके में इशू पे भी आपके आता हूँ, परिवार पहचान पत्र के अंदर सेक्शन मतलब के कॉन्स्टिट्यूशन की और रूल्स की और लॉज की दरियां उठती हैं। सेक्शन 44 है परिवार पहचान पत्र, जिस पर मुख्यमंत्री जी हमेशा लंबे लंबे भाषण देते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन मे रूल्स टू कैरी आउट द पर्पज ऑफ द एक्ट, एवरी रूल मेड अंडर दिस एक्ट एज सून एज पॉसिबल आफ्टर इट इज मेड आर इशूड बी लेट बिफोर दैट इज फ्यूचर। सेकंड सर, बस 2 मिनट सुन लीजिए, रूल्स आज तक इस सदन के अंदर नहीं पेश किया। देखिए इस बात के लिए क्या इसकी शिकायत फॉलो करेंगे हम? आपने जो दिया है, हाँ जी, ये दिया है कि दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज बिल्कुल अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है और सरकार के अंदर ये जो बिल पहचान पत्र का जो बिल आया है, हाँ जी, यहाँ से पास होकर के बना है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये यहाँ से दिस इज नॉट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, पत्र अथॉरिटी इशू की है। मैं कहता हूँ कि वो अथॉरिटी के रूल्स इस हाउस के अंदर ना पेश हुए ना डिस्कस हुए, वो अल्ट्रा वायरस है। ये देखिए वो गलत है, मैं तो ये कह रहा हूँ विषय डिस्कस का है कि रूल्स जो बने हैं गलत है कि नहीं है। रूल्स देखिए हाउस के अंदर नहीं बनते, डॉक्टर तो जस्टिफाई द गवर्नमेंट, नहीं नहीं रूल्स हाउस के अंदर नहीं बनते, गवर्नमेंट गवर्नमेंट शुड क्लियर अंडरस्टैंड। देखिए ये नोटिफिकेशन जो आपके रूल्स नहीं है, बता सब सुनिए, मैंने कहा था मैंने ये कहा पहले ये रूल्स बने कि नहीं बने, रूल्स बने हैं लेकिन यहाँ ले डाउन हुए कि नहीं हुए ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है पता करके आपको, अब तो लेजिस्लेटिव काम है तो अगर नहीं होंगे, अगर नहीं होंगे तो होंगे, अगर नहीं आज विषय आपने आज आपने आज आपने विषय उठाया तो पता करके करेंगे ना क्या बात है? अगर अगर आपने नीरज जी पत्रा साहब मान्य अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास दिलाता हूं सदन को कि इसी सेशन के जो अगले 2 दिन है उसमें सारे रूल्स लेडाउन कर देंगे, कर देंगे। क्यों और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? ले 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 और क्या चाहिए? ले 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 ले
आप विषय और है, नाइन नाइन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की फैसला है उसके खिलाफ है, इसमें लिखा हुआ है, विषय क्यों नहीं है, विषय और क्या है, आप डिस्कशन में आ जाएंगे सारी बात। आपने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आप अलाउ कर दो, अलाउ कर दो, इसका मतलब एक मिनट, जजमेंट है, जजमेंट है, आप अलाउ कर दो, उसको होगा तो गवर्नमेंट जवाब दे देगी, दिखा लेते हैं अभी, दिखा लेते हैं। पहचान पत्र का हाल यह है, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, आपके सांसद श्री रामचंद्र डांगरा जी का परिवार पहचान पत्र बना है और उनको पेंशन के लिए रिकमेंड किया गया है और उन्होंने परिवार पहचान पत्र के अंदर 180,000 अपनी इनकम दर्शाई है। यह परिवार पहचान पत्र का रोहतक के मेयर का परिवार पहचान पत्र बना है, उसके अंदर इनकम 180,000 दिखाई है, उसको रिकमेंड किया गया है कि उसकी पेंशन बनाई जाए। ये परिवार अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ऐसा मैं कह नहीं सकता, ये 2011 ऑन रिकॉर्ड, 2000 कांग्रेस के शासन के समय ऑन रिकॉर्ड डेट तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन रोहतक के 50 लोगों की लिस्ट अखबार में छपी जो बीपीएल का कार्ड बनाए हुए थे, जब अखबार में छपी अगले दिन धड़ाधड़ लोगों ने बीपीएल कार्ड कटवाए, जिनकी कोठियां थी, जिनकी कारें थी, उन लोगों ने बीपीएल का कार्ड बनवाए, शर्मा नीचे इनको बताते हुए, हमने तो आने के बाद 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए, 12.5 लाख नए राशन कार्ड, और वो जनवरी 2023 में 12.5 लाख ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन अगर कोई गलत ले रहा है उसके काटने का, हाँ आज भी अगर कुछ गलतियां हैं तो अप्लाई करके उसको ठीक करा सकते हैं, पूरा प्रावधान से अप्लाई करेंगे, वही करेंगे जिसका गलत है। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा गंभीर विषय, ये जो भूषण प्रताप जी ने नाम लिए और मुख्यमंत्री जी ने फलाने का नाम दिया, राशन कार्ड या फलाने का, सवाल आज का है, आज के पहचान पत्र का है, जो आपकी पीपीपी चल रही है, जो परमानेंट परेशानी पत्र जो है उसकी चर्चा है। मैं जानता हूं मनमोहन जिसका नाम है वो करोड़पति आदमी है, वो रामचंद्र जागर कोई उनने जान के नहीं किया, ये आपके इसने किया है, पोर्टल ने, पोर्टल डिफेक्टिव है, पोर्टल से पीछा छुड़वा दो हरियाणा का, हर चीज में पोर्टल, इसका भी पोर्टल बनाओ आप, इसका मैं जानता हूं, मनमोहन को जानता हूं, उसके परिवार को जानता हूं, वो एक करोड़पति अरबपति आदमी है, वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा अपने जानकर, ना रामचंद्र जांगड़ा करेगा, ये किसने किया फिर, ये आपके से पोर्टल ने किया ना, ये पोर्टल से पीछा छुड़वाओ, या एक पोर्टल और बना दो, जैसे काम किया पोर्टल को बता दो, पोर्टल 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 हर काम में पोर्टल, ये क्या करेंगे बैठे जो आपके पीछे से पोर्टल क्या करेंगे, ये देखो तो कितनी गलतियां हैं, इससे जो है दोस्तों हर बार ये आता है कि गलतियां सुधारी जाएं, किस एजेंसी के पास थी, सवाल आज इस बात का, किस एजेंसी ने गलती की, उसको क्या दंडित किया आपने, उसको कोई पेनल्टी लगाई, मनमोहन जैसे आदमी का नाम डाल रहे हैं वो एजेंसी, रामचंद्र जांगड़ा नाम डाल रहे हैं वो एजेंसी, उनको सजा दी, खिलवाड़ हो रही है ये। पैंतालीस मिनट के लिए भोजन अवकाश के लिए स्थगित किया जाता है, नाम, हाँ मैं नाम बता देता हूँ, 45 मिनट बहुत है, नाम दो, जो शून्यकाल के जो नाम है जो आए हैं, श्री शमशेर सिंह घोगी जी, प्रमोद कुमार विज जी, रणधीर गोलन जी, जगबीर मलिक जी, सुभाष गांगुली।